हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। गाइस आज के डेली जीके सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 मार्च 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक पर आरबीआई ने 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर आरबीआई ने 58.9 करोड़ का जुर्माना लगाया है, और जो ये जुर्माना है ये बैंक पर नियामक के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए हेल्थ टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी की बिक्री करने पर लगाया गया है। तो दोस्तों, ये जो जुर्माना है ये बैंक पर नियामक के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए हेल्थ टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी की बिक्री करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो फुल फॉर्म होता है, आईसीआईसीआई बैंक का जो फुल फॉर्म होता है, ये इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों, इसमें जो आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ हैं, तो वो है चंदा कोचर। कौन है? चंदा कोचर इसमें आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ हैं। और इसका जो मुख्यालय है ये है मुंबई में। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? मुंबई में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राजस्थान के अजमेर में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? अजमेर में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। जो इसका उद्घाटन है ये अजमेर के निकट रूपगढ़ गांव में किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो उद्घाटन है ये रूपगढ़ गाँव में किया गया है, रूपगढ़ गाँव में किया गया है, जो कि अजमेर के निकट है, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन यानी इसका जो निवेश है, इसको स्थापित करने में जो निवेश है वो 113.57 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है इसमें, जिसमें से 50 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इसमें सब्सिडी दी है, ठीक है। और ये जो पार्क है ये अजमेर और पड़ोसी जिलों में करीब 25,000 किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म फेस्ट अवार्ड्स, जिसको बोलते हैं NFA, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, तो इनकी जो केंद्रीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये जो NFA है इसकी स्थापना जो है ये 1954 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, महावीर जयंती कब मनाई जाती है। तो दोस्तों, जो महावीर जयंती है ये 29 मार्च को मनाई जाती है। महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर रह चुके हैं हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। और इनका जो जन्म है वो इच्छाक वंश में कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। इनके जो पिता थे वो थे सिद्धार्थ, और इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला इनकी माता का नाम था। क्या नाम था? त्रिशला इनकी माता का नाम था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और ये इच्छाक वंश के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियुक्त किया गया है, जावेद रहीम को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये जो ट्रिब्यूनल वर्ड होता है ये यूज किया जाता है कि कोई न्यायालय जो कि इस विशेष किसी विशेष क्षेत्र के लिए कार्य करता है, या आप कह सकते हैं न्यायाधिकरण, इसका हिंदी कह सकते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाता है? न्यायाधिकरण। क्या हो जाता है? न्यायाधिकरण, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये एक संवैधानिक संस्था होती है, और इसके दायरे में लागू पर्यावरण, जल, जंगल, वायु और जैव विविधता के सभी नियम और कानून आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, ये 65 यहाँ पर डिस्कट कर दीजिए, किस महापुरुष की जयंती पर भारत सरकार 350 रुपये का इसमें सिक्का जारी करेगी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने 350 रुपये का इसमें सिक्का जारी करने जा रही है। तो वो किस महापुरुष की जयंती पर ये भारत सरकार ऐसा करने जा रही है? तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर इसमें सिक्का जारी करने जा रही है। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप अच्छे से परिचित होंगे, ये हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु भी रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।